आगे बढ़ेगी तब यहां तक पहुंच जाएगी। एक प्रकार से एक शहर के अंदर शहर को जोड़ने का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जोड़ने का, सरदार पटेल स्पोर्ट एंक्लेव से जोड़ने का एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे बढ़ने जा रहा है। नारायणपुरा के अंदर लगभग 17 एकड़ से बड़ी जमीन के अंदर 77,000 चौरस मीटर के एरिया में 458 करोड़ के रुपये की लागत से एक दूसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है जिसका भी नामकरण होना बाकी है। मेरे लिए आनंद की बात है, रिज्जू जी यहाँ बैठे हैं, अभी बजट के बाद इन्होंने इसको अप्रूव किया है, और मेरे लिए आनंद की बात है गांधीनगर स्टेडियम भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, सरदार पटेल एंक्लेव भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, और ये नारायणपुरा का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होने वाला है। तो पूरा खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में होने वाला है, इसका मुझे बहुत आनंद है। एथलेटिक स्टेडियम बिल्डिंग वहाँ पर एक बनने वाला है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के 33 खेलों को खेला जाएगा। मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम भी वहाँ पर बनने वाला है। टेनिस स्टेडियम बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनने वाला है। एक्वेटिक स्टेडियम बिल्डिंग भी वहाँ पर एक बनने वाला है। स्विमिंग पूल की भी सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पर बनने वाली है, और कुल मिलाकर वहाँ पर भी 6,000 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था भी करी है। ये सारी सुविधाओं को विजुलाइज कर संकलित किया गया है जिससे रिपीटेशन भी न हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बने, और जब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए अहमदाबाद शहर को और भारत को बिडिंग करना है तब वो 50 किलोमीटर के दायरे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानांक माना गया है ये सारी सुविधाएं 50 किलोमीटर के दायरे में भी होगी, इसकी ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था होगी। एक संपूर्ण दूरदृष्टि के साथ अहमदाबाद के अंदर इतने बड़े स्पॉट सुविधाओं का आज भूमि पूजन लोकार्पण सब होने जा रहा है। मित्रों, मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ, मगर मोदी जी मुख्यमंत्री बने और मैं उनकी मंत्रिमंडल का सदस्य था, वो वहाँ पर प्रधानमंत्री बने, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, आज दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, मैं उनकी मंत्रिमंडल में उनका साथी नाते काम करता हूँ। मित्रों, उन्होंने हमेशा कहा है कि जब तक खेल में युवा आगे नहीं बढ़ सकता है देश के लिए युवा कुछ नहीं कर सकता है, और इसलिए इन्होंने खेलो इंडिया की शुरुआत की, फिट इंडिया मूवमेंट को हाथ में लिया, और खेलो इंडिया की शुरुआत को 2018 में जो हुई इतनी अच्छी सफलता मिली है जिसके कारण अब आप कोई भी स्पर्धा हो, कॉमनवेल्थ की हो, एशियाड की हो, ओलंपिक की हो, तालिका के अंदर भारतीयों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया बनाई, इनके कोचिंग की व्यवस्था करी, इनको उचित कैलोरी में उचित मात्रा में आहार मिल पाए इसके लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट को भारत सरकार ने रखा, और एक बजट के अंदर मस्त मोटी बढ़ोतरी कर स्पोर्ट की सुविधाओं को बढ़ाने का काम करा, और तहसील तक स्पोर्ट्स को नीचे तक तहसील तक परकोलेट करने के लिए उन्होंने बहुत पेन लेके आगे बढ़े हैं, और मैंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा है। और देश में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में उन्होंने बनाई, नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स में सबसे आगे होता है वहाँ पर बनाई, और आज अहमदाबाद में पूरी स्पोर्ट्स की सुविधाएँ बनने जा रही है। मैं मानता हूँ मित्रों कि ये दिन अब दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में एशियाड हो या ओलंपिक हो, हमें हमारे लोगों खिलाड़ियों के नाम हर तालिका के अंदर सिल्वर गोल्ड लेते हुए नजर आए, वो दिन भारत के लिए बहुत नज़दीक है। आने वाले 8-10 साल में ही इस सुविधाओं से खड़े हुए खिलाड़ी दुनिया के अंदर अपना जज्बा दिखाते हुए भारत माता को सम्मान दिलाने का काम करेगा। मित्रों, मैं आज यहाँ से देश भर के युवाओं को अपील करने भी आया कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, और अब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। आत्मनिर्भर नारा का मतलब सिर्फ अर्थतंत्र के अंदर आत्मनिर्भरता नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, और खेलों के अंदर भी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, और खेलों पर भी
खेलों की दुनिया में भी भारत का नाम दुनिया में सर्वोच्च जगह पर रखने का लक्ष्य रखकर हमारे युवाओं ने परिश्रम करना चाहिए। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जहां तक कोचिंग का सवाल है, जहां तक एक वायुमंडल बनाने का सवाल है, मैं आपको मोदी जी की ओर से गारंटी देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार एक इंच मेहनत से पीछे नहीं हटेगी। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, चाहे वायुमंडल देने की बात हो, चाहे प्लेटफॉर्म देने की बात हो, मगर हमारा युवा आए, खेलों को अपनाएं, खेलों को अपनी करियर बनाएं और आगे बढ़े और दुनिया में, खेलों की दुनिया में भारत का नाम रोशन करे। और आज ये जो सुविधा यहाँ हो रही है, मुझे बहुत आनंद है कि ये एक शुरुआत है, अंत नहीं है। और हम सबका सौभाग्य है कि शुरुआत करने के लिए हमारे महामहिम राष्ट्रपति स्वयं पधारे हैं। उनके प्रेरणा से, उनके करकमलों से आज जो यहाँ पर काम शुरू हो रहा है, ये निश्चित ही दुनिया में भारत को यश दिलाएगा, दुनिया में भारत को विजय दिलाएगा। और मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना खेलों के क्षेत्र में भी होंगे। मित्रों, फिर से एक बार अहमदाबाद के सभी लोगों को और देश भर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसके लिए पूर्वक की सबको शुभकामनाएं और खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूं। और जो 650 स्कूलों के बच्चे यहां खेलने आने वाले हैं, उनके माँ बाप, उनके अभिभावकों को भी मैं अपील करना चाहता हूं कि बच्चे को मैदान में खेलने दीजिएगा, मिट्टी के अंदर छोड़िएगा, तभी जाकर वो सफल नागरिक बन पाएंगे। हार को पचाने की आदत पड़ेगी, जीतने का जज्बा आएगा, जीत की आदत पड़ेगी, तो जो काम करेगा उसमें वो आपका नाम रोशन करेगा। सभी अभिभावक खेलों के लिए अपने बच्चे को इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के भेजने का संकल्प करें। यही अभ्यर्थना के साथ मैं फिर से एक बार महामहिम को मेरी ओर से धन्यवाद करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। माननीय गृह मंत्री श्री, विश्व के सबसे विशाल नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन पर सभी देशवासियों व खिलाड़ियों को अभिनंदन देते हुए आज गुजरात गौरवान्वित है। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर सादर आमंत्रित करते हैं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को आपके प्रेरणादायी व मार्गदर्शक संबोधन के लिए। तो रमत गमत पांच ज्यां गुजरात आगळ वधे, देश आगळ वधे, तेने लईने स्टेडियम ने खुल्लू मुकवामां आवी रह्युं छे। ना मात्र आ स्टेडियम, परंतु तेनी साथे साथे अन्य जे विजन छे